टूट फूट गया तो मैं दिखाई नहीं दे रहा, तुम खाती क्या हो यार? यार हद तक तुम्हारी, तुम्हें इस वक्त फैट शेमिंग सोच रही है? एक कम ऑन है, क्या फैट शेमिंग, तुम रॉब क्या झाड़ रही हो, तुम्हारी जान बचाई है मैंने, कल से तुम्हारी डाइटिंग शुरू काव्या बंसल। दो ओटीज हैं, पैरामेडिक्स अटेंड कर रहे हैं, इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस चाहिए। डॉक्टर साहब, इन दोनों का फुल एंड कंप्लीट चेकअप कीजिए, सारे रिपोर्ट्स चाहिए मुझे, और एक ट्रॉमा टेस्ट भी कीजिएगा। दोनों गिरे नहीं थे मगर फिर भी सदमा हो सकता है। पेन हो रहा है यहां पर, इनका आर्म फ्रैक्चर हो सकता है। नहीं 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 नहीं, फ्रैक्चर हम कैसे हो सकते हैं, अगर फ्रैक्चर हो गया तो फिर हम क्लास कैसे जाएंगे? देखिए आप इत्मीनान रखें, हम चेक कर रहे हैं ना। देखिए जो भी है आप सारे टेस्ट रन कीजिए, पूरा चेकअप कीजिए, मुझे रिपोर्ट अर्जेंटली चाहिए। नर्स क्रैब लेके आइए, उनको क्रैब बांधिए, चलिए। तुम्हारा कुछ टूटा है? गॉड, मैं देश की सेवा कैसे करूंगा, आउच। अरे नहीं नहीं सिस्टर, मेरा मत सोचिए, उससे बचा लीजिए, वो काव्या बंसल है, ऑल इंडिया रैंक 47 IAS, वो बताएगी देश को, मैं तो बस। हम तुम्हें सॉरी बोलने वाले थे कि हमारी वजह से तुम्हें भी लग गई, पर अब देखकर लग रहा है कि तुम्हें चोट लगने से पहले से ट्रॉमा था। थोड़ा बहुत ट्रॉमा हम सबको होता है मिस बंसल, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं मरूंगा नहीं। और अगर मर भी गए तो ऊपर जाके भगवान को चैन से नहीं रहने दोगे? अच्छा, वैसे अचल क्या रहा था? कहाँ? ट्रैक पे, एकेडमी पे, मैं डे वन से नोटिस कर रहा हूँ। डायरेक्टर तुमसे इतना पर्सनल क्यों हो जाते हैं? यू नो हिम क्या? अरे तुम खड़े क्यों हो? हाउ यू फीलिंग नाउ अधिराज? आई एम फाइन सर, थैंक यू। काव्या, हाउ आर यू? चलिए एक्सरे निकलवाने जाना है। एक्सरे क्यों, कुछ टूटा वूटा नहीं है, सब ठीक है? अरे कोई बात नहीं, नहीं टूटा फूटा है तो हमारा बिल बढ़वाने के लिए निकाल लीजिए, प्लीज। चलिए तुम ठीक तो हो ना, और कहीं लगी तो नहीं है? अरे बस बस। नहीं सर, पर थैंक यू हमारा इतना ख्याल रखने के लिए। तुम हमारी जिम्मेदारी हो, मेरा मतलब है यहाँ पे हर स्टूडेंट हमारी जिम्मेदारी है। वैसे डॉक्टर ने कंफर्म किया कि कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, फिर भी पूरा आराम करना, क्लास लास्ट के बारे में मत सोचना, ओके? सर आपने इतना कह दिया ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, मगर फिर भी आराम पूरा करना, यस? नहीं सर, आप देखिएगा कल हम फिर उठ खड़े होंगे। तो मैं बसंत खेड़ी जाना इसलिए ना? तुम्हारे ना जिद का जवाब ही नहीं है। जिद नहीं सर, जज्बा। जानता हूं, प्लीज टेक केयर, कंप्लीट रेस्ट।
नहीं हुआ सब कैसे? हमको तो पता ही नहीं चला, तुम देखे कैसे हुआ? भाई पूरी एकेडमी को बता कैसे हुआ? अरे जो भी हुआ ये कौन डिसाइड करेगा कि जीतता कौन? भाई कैंप में सबसे पहले टोली अपनी पहुंची थी। पायल बेब कैन यू रिलैक्स अ लिटिल, यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो गया है, तुम्हें अभी भी टीम और नंबर्स की पड़ी है? हादसा कहाँ हुआ है मैडम, होते होते बच गया, ये दोनों तो ठीक है और हम भी भाई वहीं के वहीं हैं। कमाल हो यार तुम, एब्सोल्युटली अमेजिंग। हाँ मैडम, तुम्हारी तरह बड़े घर से नहीं आती हूँ ना। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी ये लाल लिपस्टिक के बजट में मेरे घर का अनाज जाता था। जीतने की भूख अंदर से आवे है और ये गिरना रोना पड़ना इस साइड में होता रहना। ओह रियली? ओह रियली, सही कह रही है ये। काव्या पे तो एक्शन लिया जाएगा, उसकी टीम के मार्क्स तो कटेंगे भाई, उसने अपनी और अपनी टीम वालों की जान खतरे में डाली है। ओ भाई अलो, अहम अस्मी घायल योद्धा। अरे ताली वाली मारो यार, स्वागत कीजिए हमारा। क्या तुम लोग आपस में लगे हो? कैसा छोरे? कैच के जानलेवा ट्रैक पर हुआ एक बड़ा हादसा। ओटी काव्या बंसल और अधिराज प्रधान आए मौत के मुंह से वापस। आज कैच के ऑफिसर ट्रेनीज के साथ एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बंसल बाबू, क्या हुआ? एकेडमी की तरफ से भेजा गया था ट्रेनीज को ट्रैक पर। वो काव्या, पहले हफ्ते में ही ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में इतना मुश्किल ट्रैक, क्या कैच अपने ट्रेनीज की जान खतरे में डाल रहे हैं? ट्रैक पर गए ऑफिसर ट्रेनीज काव्या बंसल और अधिराज प्रधान। इतनी बड़ी पिक्चर किसने लीज कर दी? Oh no guys, अकेडमी का नाम लेके न्यूज आ रही है। हम तो बचाने में बिजी थे। ये वीडियो किसने बनाई भाई? किसमें है इतना एंथू? भाई अकेडमी के लिए सही ना है, सरकार इंक्वायरी बिठा देगी। इंक्वायरी तो बैठेगी, पर ये वीडियो बनाई किसने और लीक किसने करी? आज कैच के दो ऑफिसर ट्रेनी ट्रैक के दौरान एक गहरी खाई में गिरते गिरते बचे। क्या कैच अपने ऑफिसर ट्रेनीज की जान ट्रेनिंग के नाम पर खतरे में डाल रहा है? क्या नए कोर्स डायरेक्टर जयदीप ठाकुर हैं इसके जिम्मेदार? ये न्यूज पे कैसे आया? नए डायरेक्टर साहब की सुनवाई होगी अब। हेलो काव्या, तू ठीक तो है ना बेटा? ये हम ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। तू आज की बात से कोई भी ट्रैक ट्रैक बनी जाएगी, सुना तूने? अगर तेरे साथ कोई अनहोनी हो जाती तो हमारा क्या होता है कुछ सोचा है? एक बेटी को खो चुके हैं और दूसरी को। अरे अंजलि एक बार पूछ तो लीजिए वो कैसी है। पापा मम्मी से कहे ना कि इतनी टेंशन ना ले, तो बीपी की दवाई खानी पड़ेगी। हमारा दिल बैठा जा रहा है और तुझे मजाक सूझ रहा है। उसे समझाने के बजाय खुद ही बोल रही हूँ मैं, मम्मी संभालो। काव्या पापा प्लीज मम्मी को समझाइए कि हम ठीक हैं और हम फोन करते हैं, ठीक है? ख्याल रखिए। मैं अपने आप पे काबू रखा करूं अंजलि, पता नहीं क्या क्या कहे जा रही थी। आपको ऐसा लगता है हम बौरा गए? आपको एक पल के लिए भी उसका ख्याल लिया था? एक बेटी खो चुके हैं हम, सोते जागते दिन रात, वो भयानक दृश्य हमारी आंखों के सामने घूमता रहता। उसी का ख्याल आता है। आप तो हर वक्त नव्या को याद किया करते थे ना, ये सब देखने के बाद आपको वो हादसा, वो सब कुछ याद नहीं आता? बस करो अंजलि, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने कहा ना वो ठीक है बिल्कुल। कि जब तक मैं उसे अपनी आंखों के सामने नहीं देखूंगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। आप मुझे उसके पास लेकर चलिए। अभी कभी हाँ जल्दी करिए, हमें बहुत डर लग रहा है। जाना तू जल्दी से,
टिकट का पता कर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।